हिंदी को देवनागरी लिपि का उपयोग करके लिखा जाता है। देवनागरी का उपयोग अन्य भाषाओं जैसे नेपाली और मराठी को लिखने के लिए भी किया जाता है। संस्कृत लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली यह सबसे आम लिपि है। कई अन्य भाषाओं में लिपियां हैं जो देवनागरी से संबंधित है, जैसे कि बंगाली, पंजाबी और गुजराती। देवनागरी लिपि उल्लेखनीय स्थिरता के साथ हिंदी भाषा की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला के कई अक्षरों को कई अलग अलग तरीकों से उच्चारण किया जा सकता है। देवनागरी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं और लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। देवनागरी वास्तव में एक अल्फा साइलेरी है, एक लेखन प्रणाली जो मुख्य रूप से व्यंजन पर आधारित है और जिसमें स्वर वर्ण अप्रधान है। देवनागरी की मौलिक प्रतिभा यह है कि प्रत्येक अक्षर का एक व्यंजन का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे एक अंत निहित स्वर द्वारा अलंकृत किया जाता है। निहित स्वर को इन दो तरीकों में से एक की आवश्यकता होती है। एक विशेषांक चिन्ह जिसे हलंत कहा जाता है या लिगचो जिसे संयुग्मक कहा जाता है। निहित स्वर के अलावा एक स्वर को इंगित करने के लिए मात्राओं का उपयोग किया जाता है। स्वतंत्र स्वरों के लिए पूर्ण अक्षर का उपयोग किया जाता है। इस सुंदर लिपि का अध्ययन अक्षरों का क्रम सटीक वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार है। प्रत्येक अक्षर एक अलग ध्वनि का संचार करता है। ध्वनि में सूक्ष्म भेदों को पहचाना जाता है।